खाते में भी रिकॉर्ड कर दिया आपको। ये मेरी तुम्हारी मम्मी नहीं। डर के नहीं, डर के तो मैं बैठी हूँ। अरे गिल्लू, नीचे नहीं बाहर घूमने, और जहाँ जाऊँगी तो वहाँ दिखाई दूंगी मैं आपको, ठीक है। और ये बाल नहीं, मतलब सोचना कि बाल खोल के जा रही है क्या ऐसे घूमने, अभी बाल बांधूंगी अकेले, बहुत हो गया, दिमाग खराब हो जाता है। मैं इतनी डरपोक हो जाती हूँ यार, अकेले नहीं जा पा रही घूमने। सुबह होता तो चले जाती ना, बहुत सारे लोग रहेंगे। जूते हैं तो मैंने इसलिए पहने क्योंकि मेरे जो वाले थे स्पोर्ट्स वाले जो बाहर पहन के जाने वाले थे, तो वो क्या हुआ कि वो पता नहीं कहाँ रह गए, उनमें सुबह से अपना काम मैं नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, तो फिलहाल तो ये पहन के जाना चाहिए। वैसे भी पहनता नहीं है उसको छोटे वाले, तो देखो तो मैंने जूते उतार के स्लीपर पहन लिए, तब चलते हैं ऐसे डर डर के, थोड़ा डर के से रही हूँ मैं। पर जितनी देर से मैंने नौटंकी की है वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, हद हो गई यार। तो चेरी तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी? इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि स्कूली छात्र छात्राएं मिल जाएंगे मेरे फॉलो। अब कुछ प्रिय लोग बोलेंगे कि आप अपने कुत्ते को ले जाते हैं, आप चेरी को ले जाते हैं, तो बता दूं कि वो मेरे संभलती नहीं है। अब आपने देखा ही होगा, अभी बिल्कुल नहीं संभलती है। अभी ये हरकतें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहा कहीं कोई, तो अभी उसको लग रहा है कि ले के जा रहा कि नहीं। चेरी नहीं जा रहा कोई, घर पे रहो, ओ घर पे रहो, कोई नहीं जा रहा कहीं लेके। तो चेरी को लग रहा है कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो मैं बता दूँ चेरी नहीं जा रहा कहीं। सो तो अभी जा रहा है कॉलेज, तो मैं थकी हुई हूँ, दिख तो रही होगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉलेज जाना है तो पहले अब जाकर थोड़ा सा सो जाती हूँ, भूख लगने लगती है सुबह उठो तो, अभी फ़िलहाल भूख लग रही है, पर कोई बात नहीं, तो नहाना पड़ेगा। अरे गिल्लू, ये गिल्लू यहाँ क्या कर रही? थोड़ा जूम कर लेती हूँ। ओ गिल्लू, गिर जाओगी इधर से। इतना अच्छा लग रहा है, सूर्य देवता प्रकट हो गए, गिल्लू का भी दर्शन हो गया। जिंदगी में होते उतार चढ़ाव होते रहते हैं और गिल्लू चिल्लाती रहती है, मम्मी यार मैंने फिर से केचुआ कचरा। रानी में की गई गलती को माफ कीजिए भगवान जी, मुझे पता नहीं था कि वहां पे केचुआ, मैं उसके ऊपर चढ़ के ब्लॉगिंग कर रही थी, तो किसके नहाना पड़ेगा। तो ये सुबह सुबह से अर्चित के लिए बन रहा है और मेरे को भी खाने को मिल जाएगा सुबह सुबह। बहुत वो तुम्हारी बात हो रही थी अभी, आरती शूटिंग इतनी ज्यादा सुंदर है क्या? छाओ में देखते करके बहुत देर से आ रहा पढ़ना भी जैसे अभी हम लोग हद हो गया, रुक जा, अभी हम लोग साइबर कैफे से क्या रिज्यूम निकलवा के आए हैं अरे हुए क्योंकि कोई सिंबू वाली मैडम मिल नहीं रही है। अरे यार तभी तो हेलो हेलो एवरीवन, गर्ल्स रूम वॉशरूम में तो नहीं है ये, इधर है ऐसा, ये हमारे काश इधर घर होता यार, यहाँ पे घर होता तो क्या होता अपना, क्या ही होता, मेरे को तो बेकार ही लगता। वो देख डेड बॉडी पड़ी, यहाँ पे भी क्लास होती है गाइस, हमको तो पता ही नहीं था। लो तंबाकू, ओ वाओ, एक बात बता ये हाथ कहाँ से धोएंगे? हाथ धोता वो तो इधर से क्लास लग रही, धीरे बोल ठीक है, मैं तो क्रॉस करके इधर से ये पिलर क्रॉस करेंगे फिर जाके हाथ धोएंगे। और ये क्लास तो जाते ही खत्म हो गई गाइस, चौक होता आरजी विश चैनल का प्रमोशन हो चुका है गाइस, अब मिटा दे यार, मिटा दे
मैं नहीं चाहती कि कोई देखे। आई थी कीड़ा, फाइनली 150 करोड़ साल बाद रेड कारपेट में चलने का सपना। कैसे चल रही है, ऐसे चलेगी तो इसको कोई नहीं बुलाएगा। रेज्यूम, तो रेज्यूम देखे आ गए हैं। यार इसकी जान पहचान बड़ी अच्छी है, मेरे तो जान पहचान वाले लोग भी देख के इग्नोर मार देते। तो आ गई हूँ मैं घर, अब बहुत थकी हूँ, आज बहुत ज़्यादा गंदी वाली धूप थी, तो अभी आ गई हूँ मैं। किरा होगा बेबू, तो जिनको नहीं पता कि बेबू कौन है तो मैं बता दूँ कि बेबू मेरी चाचा की बेटी है। आज ही आई है, मैं तो कॉलेज गई थी, फिर जब मैं कॉलेज में थी तब आई थी, और अभी मैं मिली हूँ उससे बहुत दिनों बाद। देखो यहाँ का ब्लॉग बन गया आंटी, ऑल इज वेल। मेरी धड़कन नहीं तेज हो रही गाइस, मैंने सिखाया बेबू को, है ना। बात करने से डिस्टर्ब तो नहीं होता है, अगर बात करने से डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर मैं नहीं करूँगी बात। बिल्कुल नहीं हो रहा, डर के नहीं करता। डर के नहीं, डर के तो मैं बैठी हूँ तो थोड़ा सा तो डर लगेगा ना, पहली बार मैं उनके पीछे बैठ रही हूँ। नहीं जल्दी नहीं पहुँचना है, सब आराम से पहुँचना है, लेकिन तो भीड़ मिलेगी, लेकिन सुख सलामती चाहती हूँ मैं अपनी। सुनो देख के, हाँ गाड़ी खड़ी है यहाँ लोगों की। अर्चित एक्सीलेटर नहीं मारना जाते इससे। हाँ मैं तो आती ही नहीं हूँ अपने वाले भैया, तुम तो अलग ही हो यार। शायला तुमको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया ना मैंने। हाँ तो ये है शायला, वो की फ्रेंड है, हम लोग की भी फ्रेंड है, बड़ी दीदी बड़ी दीदी हमारी। तो खा ना यार, खाते में भी रिकॉर्ड कर दिया आपको। हट जा भाई, मेरा असली प्यार भाई, बहुत टेस्टी। रुक जा, देखो देखो इधर देखो, पहली बार में क्या कर रही, मोमोज खाई, मुझे पता ही नहीं था, मतलब पता था यहाँ पे हम जाओ लॉलीपॉप लेके आओ, वहीं पड़ी हुई थी ये मेरी तो लॉलीपॉप मिल गई। क्या हो गया, आप क्यों रो रही हो आज सुबह से। वो अंकल सोच रहे हैं कि ये लॉलीपॉप, हंस भी रहे हैं यार। एक उसके लिए भी ले, नहीं फुल्की खा लेंगे सब। महेंद्र चाट सेंटर क्या दही वाली? मेरी बहन आ गई ना, छोटी बहन बेबो। नहीं आज बहुत से लोग ना, बेबो आ गई है इसलिए लेके आ रही है, ये हमारी इन दीदी के लिए, इन दीदी के लिए लेके आ रही है ये, और हम लोग को वहीं जाके खाना पड़ेगा। सो सॉरी, चलो तभी ब्लॉग को एंड करते हैं हम। दही फुल्की इसके बाद भी आपको यही खाने में दिख रही है, देखो खानी है कि कचौड़ी है, पूछ रहा हूं भैया पनीर से लिखाओगे? मैं तो नहीं खाना चाहती, खाते हम लोग फुल्की खा लेंगे, बहुत खाती है भैया, बहुत चखते हैं। कौन खिला रहे थे? बहुत ज्यादा ही बात कर रहे थे, मुंह बहुत चल रहा था। पानी गाड़ी में खड़ी है, पानी उसमें नहीं, कचक कचक कर रहे थे मेरे से, कर रहे थे जानते हैं। ठीक है सुबह वो मारने नहीं लग जाना था, उधर पेट भर चुका है बहुत पूरी तरीके से ना। अब कहाँ चल रहे हैं? घर, अब हम जाएंगे घर। देखो खाते ना दो खाते, टॉप एंड डाउन से, टॉप एंड डाउन से कोई और से। मैं समझ नहीं पाती तुम लोग की कोड लैंग्वेज, ये क्या हरकत है ये मैडम आपकी। एक मिनट, और मेरे को भी इतना अच्छा लग रहा है ना आज।
चमक सब्लाइम। तुम कितनी भीड़ में गए थे, कहाँ गए थे, कहाँ थे, दिखा दे भीड़। बिल्कुल भीड़ नहीं थी चाची, मम्मी बिल्कुल भीड़ नहीं है। जय हो माता दी, ले ली हूँ यहाँ का गरबा कर ले, ईसा बोल रही हूँ सॉरी बेबो का। आज के दिन बहुत हेक्टिक रहा है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, क्या कर देना बेबो, कमेंट कमेंट कर देना, गाना बजा दे। बेबो गाना बजा। तो क्या होता है, हाँ चलता है, नहीं नहीं मैं देखी नहीं, गाना बजा बेबो ले गा। बहुत सही। अरे ईशा तेरे दोस्त, ईशा के दोस्त वहाँ तो अपने काम की कड़े शब्दों में निंदा कर, ये कैसे बाल लग रहे हैं मेरे न्यू हेयर स्टाइल गाइस, छोड़ दिया गया है एक लड़की, तो मैं बंद, जब मैं डर जाती हूँ तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, मम्मी आराम से, आई लव यू बेबो।